फातिमा बेटा इधर आओ, आइए आमना को सुकून लेकर जाओगे? क्यों इधर आ जाओ, आगे इधर आओ, बड़ा बड़ा प्याला दे। आप बताएं क्यों नहीं लेके जाना? ठंड है। क्यों ठंड? फिर आपको नहीं लगती? लगती है। चले अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अब ये प्याला उसने बड़ा प्याला जो दिया इसकी माँ ने, वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, वो छोटा प्याला, छोटे प्याले। आमना कहती मैं नहीं दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुशियाँ और सलामती दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे और आसानी का फरमाए। जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबकी मगफिरत फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे। जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, और फलस्तीन के जख्मी को अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। जो कर्जों में डूबे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कर्जों से निजात दिलाए, हर तरह की परेशानी और गमों से निजात दिलाए, आसानी अता फरमाए। और साथ साथ व्लॉगिंग भी हो रही है, और आज सुबह के व्लॉग का आगाज करते हैं। लेट हो गए थे तो थोड़ा सा इसमें मसरूफ हो गया। सबसे पहले अहम है कि इंसान की इबादत और नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फरागत के बाद जो है तिलावत की है कुरान पाक की, सूरह यासीन खास तौर पे, सुबह शाम के अज़कार 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम अव्वल आखिर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि रूटीन में दिन में पढ़ते रहते हैं, उसकी गिनती की जरूरत नहीं है। मैं गिनती नहीं करता, अल्लाह ताला तौफीक दे पढ़ने की, अमल करने की, और अल्लाह खुशियाँ और सलामती दे। और आज चाय का जो है अपना चाय के साथ नाश्ता करेंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पास नेमत तो है अल्लाह की। ये सफाई हो रही जी, बड़ी बच्ची मेरी सफाई कर रही है माशाल्लाह, झाड़ू लगा रही है सुबह सुबह, और ये सफाई हो रही है आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर जो है बच्चे नाश्ते के लिए जो ना उस तरफ इधर आके बैठ के नाश्ता करेंगे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आयशा जरा पीछे हटो बेटा। हाँ जी आज जो ना सालन नहीं है, और चाय के साथ नाश्ता करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते से पहले मैंने बेगम को बोला है बिल्ली को दूध डालने नहीं, याद नहीं रहा, या मुझे याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं रहा, ऐसी है समझ लेके मुझे भी याद नहीं रहा। अब ये है कि बिल्ली को दूध डालने नहीं की अच्छा बच्चन ये है, और साफ कर लेना है, साफ करके उसमें डालती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखना बिल्ली अपने बर्तन के पास चली जाएगी और वहाँ जाके उसमें दूध पीना है, और इधर उधर मुँह नहीं मारेगी, आसानी हो जाएगी। ये हो गया अब आसान काम। अब यहाँ बैठे भी हम नाश्ता करते रहेंगे। नाश्ते से पहले मैंने बेगम को बोला है बिल्ली को दूध डालने नहीं, याद नहीं रहा, या मुझे याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं रहा, ऐसी है समझ लेके मुझे भी याद नहीं रहा। अब ये है कि बिल्ली को दूध डालने नहीं की अच्छा बच्चन ये है, और साफ कर लेना है, साफ करके उसमें डालती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखना बिल्ली अपने बर्तन के पास चली जाएगी और वहाँ जाके उसमें दूध पीना है, और इधर उधर मुँह नहीं मारेगी, आसानी हो जाएगी। ये हो गया अब आसान काम। अब यहाँ बैठे भी हम नाश्ता करते रहेंगे। चाय के साथ नाश्ता जी बेटा, ये है तो एक रोटी अपनी मामा को वापस करो, क्योंकि सालन के बगैर नहीं खाई जाती। मैं तो एक ही रोटी नाश्ता करूँगा, क्योंकि सालन जब ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। चाय उठा कर दो बेटा, चाय चाय दो, ताकि चाय के साथ नाश्ता करो और आप भी करें। बच्चों की हिम्मत है यकीन जाने। कल शाम को हमारे साथ पता क्या हुआ, एक तो आटा खत्म हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसको मैं कैसे रखूं। अच्छा जी देखता हूँ जी, ये हो गया जी, यहाँ पे आटा भी खत्म हो गया हमारा। इसके अलावा जो है अपना जो पकाने के लिए इसको मैंने बोला कि आप ऐसा करो कोई दाल वगैरह पड़ी तो बना लो, आगे से कहा जी दाल भी खत्म है। सालन में क्या था, दाल है वो भी खत्म, वो भी खत्म, कुछ नहीं है असल में। ये बता उस वक्त जाके बताते हैं जब खत्म हो जाती है हर चीज। अब यानी कि दालें सारी खत्म है, दालें आइटम वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। आटा तो मैं ले आया था, रात को ही आटा ले आया था, अल्लाह का शुक्र मैं आटा ले आया था, लेकिन नहीं पका सके। फिर क्या हुआ कि जो लेट हो रहा था,
मैं जाते हुए बच्चे को साथ लेता गया और थोड़े से चावल लेकर भेज दिया इमरजेंसी, ताकि ये चावल जाके बना ले आप। और क्योंकि पकाने सालन के पकाने के लिए नहीं था, सालन के यानी कि पकाने के लिए कोई चीज़ मौके पे मौजूद नहीं थी। सब्जी तो वगैरह भी लेनी हो तो बाजार ज़रा दूर है, काफ़ी दूर है यहाँ से, यानी कि चाहे टमाटर लेना हो, चाहे नमक लेना हो, चाहे जहाँ माचिस लेनी हो, यहाँ आस पास कोई दुकानें नहीं है। क्योंकि यहाँ दुकान बना के कोई रखना भी नहीं जाता, उसकी वजह क्योंकि यहाँ पे चंद घर है, किसने खरीदारी करनी है उन लोगों के लिए, वो तो मतलब बेचारा सामान ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, किराया लगा लगा के वो थक जाएगा कि मेरी उन लोगों के लिए नहीं, कि वो तो घर से कमाई उठा के उनको देगा बकायदा प्रॉपर्टी की बजाय उनको खिदमत करेगा। क्योंकि बहुत खर्चे आते हैं किरायों के, फिर आइटम इतने महंगे कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कैमरे में नोट कीजिएगा, इनकी माँ इशारों से बात कर रही है आपके सामने इशारों से। और ये सालन थोड़ा सा है कोली के बीच में, थोड़ा सा दिखाओ बेटा। ये रात को जो है मेरी अम्मी के घर से आया था, ये एक ही कोली यानी किसी तरह की ये कोली है, यही भरी हुई थी और कुछ यानी कि रात को बच्चों ने चावलों पे डाली जो भी, फिर उसका ये थोड़ा सा बच्चा है अपना शोरबा या आलू बच्चे हुए हैं वो इस्तेमाल अब कर रहे हैं ये बच्चे, ठीक है जी। बाकी सब नाश्ते चाय के साथ। आप पता चला कि हमारी आमना रूठी जा रही है, कह रही है सालन थोड़ा सा मैं खुद अकेले खाऊंगी, बड़े से बड़े छोटे भी देख ले कहते सालन के साथ खाना है। इंशाल्लाह मेरे को हर चीज़ें ला कर दूंगा, ताकि कोशिश करेंगे कि बर वक्त इनको ला दिया करें, एडवांस ला के रख दिया करें, ताकि जब फिशे के आइटम है एडवांस ला के रख दे ताकि ख़त्म ना हो। अब आफाजना आपसे बड़ी आप उसको दे दो सालन, आप चाय के साथ ले लो। असल में चाय के साथ आपना फातना से लेना चाह रही, इसके पाँव पे है जख्म, इन्फेक्शन उसमें पी पड़ने का खर्चा आता है, और इसलिए इसने कहा मैं सालन के साथ खाऊंगी, लेकिन आमना उसको नहीं खाने दे रही। इसकी माँ ने इनको आधा आधा करके दिया है, ठीक है जी। तब भी आमना ज्यादा कहते नहीं जी, मुझे पूरा सालन दो, सालन के बगैर मैं नाश्ता नहीं करूंगी। और जो हमारा वर्कर है अभी जो वो सोया हुआ है, ऐसा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्कूल की तैयारी कर रही है, यूनिफार्म उसने पहन ली। और हमारा वर्कर जो है वो ऐसा है, वो तो बगैर सालन के कहते मैंने नाश्ता नहीं करना, जब उसका मूड अपना हो ना यानी कजात कर रहे तो फिर तो वो कर लेगा, वरना नहीं करेगा। ये देखें जी, और बच्चे ये मेरे यहाँ से स्कूल के लिए क्रॉस करने लगे हैं आपके सामने, बाकी पीछे आ रहे हैं। और लेकिन ये मैं कह रहा था यहाँ पे कि ये जो रास्ता है, ये पोल हमने यहाँ रखे हैं, ये सामने मोगे टैब जो है इनको रखा हुआ यहाँ पे हमने पूर्णा था, लेकिन कोई बंदा टाइम नहीं दे रहा, ना मजदूर टाइम दे रहा है, ना मिस्त्री टाइम दे रहा है। और यहाँ फिर हमने परवा के मिट्टी डालनी थी, लेकिन ये बात अब जो मैं बता रहा हूँ पानी की, सामने इस ज़मीन को जिस बंदे ने पानी लगाया है और उधर भी लग रहा है वो सामने, तो ये पीछे रोक सकते थे, लेकिन इस तरह पानी आ गया क्यों आने दिया। लेकिन उन्होंने एक तो अपना भी नुकसान किया, साथ साथ हमारा टाइम ज़ाय कर रहे हैं, हमारा टाइम ज़ाय कर रही। हालांकि हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है इस जगह से, और ये रास्ता बनवा के दे रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए फी सबिल्लाह, लेकिन लोग एहसास नहीं करते, तआवुन नहीं करते, ना मिस्त्री मिल रहा है ना मजदूर मिल रहा है। हालांकि हम ख़ुद पैसे लगा कर भी इसको तैयार करवाना चाहते थे ताकि कोई टाइम तो दे दें, हालांकि अहले इलाका को सारों को फ़ायदा होगा, लेकिन कोई अपना बंदा कोई बंदा भी तआवुन करने को तैयार नहीं। बस अल्लाह हिदायत दे, रास्ते पर चलाए। ये नहर का पुल है जी, और इस तरफ जो है वो बच्चे आ रहे हैं पीछे, धुंध भी है क्योंकि उधर असल में पानी किसी ने लगाया हुआ है, तो वो फसल का पानी ज़्यादा होने की वजह से ना सड़क के ऊपर पानी आ गया था, जिससे रास्ता मेरा दुश्वार हो रहा था, मुश्किल हो रही थी, फिर इसलिए मैंने उनको पीछे उतारा ताकि मैं बैग लेके आगे निकलूँ, बैग लेके आगे निकल आया हूँ। और फिर वह पीछे से आ रहे हैं, बड़ी बच्ची भी साथ सारे आ रहे हैं। चलिए सांस चढ़ा हुआ, प्यास लगी हुई है, प्यास दिखा दी है, पानी पीने लगी है। देखो जी सादा पानी हम यहाँ पीते हैं, अल्लाह का शुक्र शुक्र। ये बर्तनों की धुलाई करनी है, तो खाल जो चल रहा है, हाँ जी उधर खाल चल रहा है पानी का, जो हमारे हमसाए उनकी मोटर चल रही है पानी तेरी, मैं उधर लेके इसको जाऊँगी। ये हमने जो रखा हुआ है ये देख रही है, इसलिए रखा है क्योंकि दूसरे ये जो बर्तन है या प्लास्टिक के टपले एक महंगे भी मिलते हैं, दूसरी बाकी के टूट जाते हैं, हमारे बच्चों का घर है तो ये हम आपके ग्राफ से नहीं को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। चलिए इसकी यहाँ कुटाई कर कुर के उठा के सर पे लेके जाऊंगी उधर मोटर पे, वहाँ जाके धुलाई करके ले आऊँगी। और ये सो को जो है ना मैंने आपको बताया कि
ये टूट रही है मशीन, का मशीन चल रही है, मशीन में कह रही है उधर वो भी कपड़े चल रहे हैं वहाँ पे, अपना मशीन में ड्राई हो रहे हैं वो भी, और ये भी साथ कट्ठे लेकर जाऊंगी।